नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन्फिनिक्स नोट 45G वर्सेस Realme 12 Plus 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो नोट 40 में 6.52 इंच जबकि 12 प्लस 5G में 6.42 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि नोट 40 से कम है। विड्थ की बात करें तो नोट 40 में 2.99 इंच जबकि 12 प्लस 5G में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो नोट 40 में 185 ग्राम जबकि 12 प्लस 5G में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि नोट 40 से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो नोट 40 में फ्लेक्सिबल एमोलेड जबकि 12 प्लस 5G में एमोलेड की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो नोट 40 में 6.78 इंचेस जबकि 12 प्लस 5G में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन नोट 40 में 1080x2436px FHD+ प्लस और 12 प्लस 5G में 1080x2400px FHD+ प्लस मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो नोट 40 में 86.99% जबकि 12 प्लस 5G में 87.36% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो नोट 40 में 393 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 12 प्लस 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो नोट 40 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, सेकेंडरी कैमरा और आखिर में थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। और 12 प्लस 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो नोट 40 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 12 प्लस 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो नोट 40 में IMGBX M8-256 जबकि 12 प्लस 5G में Mali-G68MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो नोट 40 में MediaTek Dimensity 7020 और 12 प्लस 5G में MediaTek Dimensity 7050 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो नोट 40 में 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 12 प्लस 5G में दो विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो नोट 40 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 12 प्लस 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 18,390 रुपीस
8 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो इन्फिनिक्स नोट 45G में 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें रियलमी 12 प्लस 5G की तो उसमें 3 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में नोट 40 आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में नोट 40 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 5G है, दूसरा Oppo A3 Pro 5G है, तीसरा OnePlus Nord CE 4 Lite 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G85 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।